तो बिल्कुल, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि झारखंड में 81 सीटों पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। एनडीए को 36 से 41 सीटों का अनुमान, महा एग्जिट पोल एआई दिखा रहा है जीनिया की तरफ से, और इंडिया गठबंधन को 39 से 44 सीटों का अनुमान, यानी कि मामूली बढ़त इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एनडीए के ऊपर झारखंड के भीतर दिख रही है। एआई महा एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बढ़त, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को बढ़त यहां पर झारखंड के भीतर मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को 39 से 44 सीटों का अनुमान यहां पर दिख रहा है एग्जिट पोल की तरफ से, महा एग्जिट पोल, और बीजेपी गठबंधन को 36 से 41, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3-4 सीटों का अंतर है, कांटे की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। तो ये एआई महा एग्जिट पोल, और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में यही एग्जिट पोल था जो सच के आंकड़े के सबसे करीब था। जब सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए तब केवल हमारा एग्जिट पोल एआई जीनिया का एग्जिट पोल सबसे सटीक साबित हुआ था, और इस बार एआई जीनिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार की संभावना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन पर यहां पर बढ़त मिलता हुआ एआई महा एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, झारखंड में विधानसभा के लिए वोटों की गिनती का काम 23 तारीख को शुरू होगा, लेकिन इस वक्त जो एआई जीनिया एग्जिट पोल है, महा एग्जिट पोल, उसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन पर बढ़त है, लड़ाई कांटे की है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 41 सीट है वहां पर जाता हुआ, उसको पार करता हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हर सीट पर कांटे की लड़ाई, जबरदस्त चुनाव रहा, नेक टू नेक फाइट आप कह सकते हैं। जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों ही गठबंधन कांटे की टक्कर हर सीट पर, और नतीजा ये है कि मामूली बढ़त यहां पर इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन के ऊपर। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार, क्योंकि महा एग्जिट पोल के आंकड़े यही बता रहे हैं। तो बीजेपी अलायंस 36 से 41 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस 39 से 44 सीटें, और अन्य के खाते में यहां पर 0 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं।